नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको अवेयर करने आया हूं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं उस दुख से कोई और ना गुजरे। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि एक एक फॉलोअर, एक एक सब्सक्राइबर गेन करने में, बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। तीन तीन चार चार साल आदमी को लग जाते हैं मेहनत करते करते, तब जाके वो किसी हाइट पे पहुंचता है। एक एक आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है आज के समय में, कंपटीशन कितना है आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक अकाउंट था इंस्टाग्राम पर टीएलएस कंप्यूटर के नाम से, जिसका फोटो आपके सामने है यहां पर, देखिए। टीएलएस कंप्यूटर के नाम से हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं बच्चों को। आपने देखा होगा हमारे अकाउंट्स, हमारे यूट्यूब पर भी 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2,70,000 सब्सक्राइबर हैं, और हमारा इंस्टाग्राम पेज था जिस पर 2 लाख फॉलोवर होने वाले थे, 1,75,000 फॉलोवर थे हमारे, ये आपके सामने है। तो दोस्तों, हुआ क्या, हमारे पास एक मेल के जरिए ये हैक हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके साथ ना हो, जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें, आप अपने अकाउंट को बचा लें। मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है 2 लाख फॉलोवर का। तो आप समझ सकते हैं कितने दुख में इस समय मैं हूं। और ये एक इस तरीके से होता है, जैसे आपने मकान बनाया, आपने मकान खड़ा किया और एक चुटकी में वो ढह जाए, तो इससे बड़ा दुख मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा दुख है। और देखिए क्या था भाई, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस आपको अवेयर करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर लोग अपना, जो सभी लोग अपना अकाउंट को बचा लें और उनके साथ ऐसा ना हो। भाई ये मेरा अकाउंट था टीएलएस कंप्यूटर के नाम से, 1,75,000 फॉलोवर थे इस पे। भाई होता क्या है, सबसे पहले अभी हमें क्रिएटर अवार्ड मिला है यूट्यूब से, तो हमारे पास लगातार मेल्स आ रहे थे, कभी यूट्यूब से, कभी इंस्टाग्राम से, कभी फेसबुक से, क्योंकि अच्छे जो है फॉलोवर्स भी इंस्टाग्राम पर आ रहे थे, फेसबुक पर भी अच्छे फॉलोवर आ रहे थे और हमारे यूट्यूब पर भी। तो ऐसे ही उन सभी मेल्स के बीच एक मेल हमारे पास आती है कि भाई आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपका वेरीफाई हो चुका है और आपको ब्लू बैज मिला है। मेल मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से मेरे पास ये मेल आई, ये अकाउंट था, ठीक है, ये देखिए। अब जो मेल आई वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए भाई, मेरे पास ये मेल आती है, हेलो डियर इंस्टाग्राम यूजर, योर अकाउंट हैज बीन डीम्ड एलिजिबल फॉर ए ब्लू बैज टू बी रिव्यूड बाई इंस्टाग्राम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और ये भाई इस तरीके से पूरी इसमें कहानी लिखी थी, आप देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल भाई साहब इस तरीके से लिखा है जैसे ये ऑफिशियल मेल हो और इंस्टाग्राम ने भेजा है कि भाई अपना जो है फेक अकाउंट से बचे, फेक इस तरह के मेल से बचे, सब कुछ इसमें इन्होंने लिख के दिया है भाई। और एक नीचे हमें मेल ये लिंक दिया गया कि भाई इस पे क्लिक करो और अपनी बेसिक सी डिटेल, मतलब वेरीफाई करो कि आप ही हो वो व्यक्ति, और अपना जो है आपको 2 घंटे के अंदर ब्लू बैज मिल जाएगा। अब भैया हम बड़े खुश हुए कि भैया ब्लू बैज मिलेगा, वेरीफाई हो गया हमारा अकाउंट, बहुत खुशी की बात है। आप भी खुश होंगे, नॉर्मल आदमी खुश होता है, ठीक है। तो भाई हुआ क्या, हमने जैसे इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही भाई बेसिक सी डिटेल थी भर दी, और भरने के बाद देखा भाई हमारा अकाउंट जो है 2 घंटे बाद, इन्होंने कहा था कि भाई 2 घंटे तक आपको पासवर्ड चेंज वगैरह नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो हम बड़े खुश थे, हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया, ठीक है। तो भाई देखा 2 घंटे बाद हमारा अकाउंट जो है हैक हो चुका है, और हैक होने के बाद भाई हमारा जो डीपीवीपी सब चली गई और इस तरीके से कुछ लिखाने लगा। ये देखिए इफी हांच करके कुछ था भाई, ये विदेश से हैक हुआ है मैंने जहां तक जानकारी ली है, ठीक है। तो विदेश से किसी ने हैक कर लिया, तो इस तरीके से भाई मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई भी मेल आती है तो बिना उसे चेक किए, बिना कुछ किए आप क्लिक मत करो। ये बहुत फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है भाई, आपकी पूरी की पूरी दुनिया लूट कर ले जाएंगे। आपने आपकी 10 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, और किसी किसी के तो भाई बहुत ही ज्यादा साल हो गए, लगे लगे घर उससे चलता है, जीवन उससे चल रहा है उसका। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग अवेयर हो जाएं। तो भाई आपके पास अगर कोई इस तरीके से मेल आता है कि भाई आप वेरीफाई हो गए, तो भाई किसी पे विश्वास ना करें, ठीक, और ना भाई क्लिक करें, वरना आपका अकाउंट भाई हमारी तरह, आप जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं उस दुख से आप गुजरोगे। तो भाई जैसे मैंने क्लिक किया, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये जो बुद्धि आज जो मुझे आई है ना, ये मुझे पहले नहीं थी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने से, ये मैं अब मैंने सीखी है जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक, उसके बाद मुझे ज्ञान आया कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो भाई इंस्टा, क्योंकि जब आदमी कहता है ना, जब ठोकर लगती है आदमी तभी सीखता है। तो भाई सबसे पहले जब आपके पास इंस्टाग्राम फेसबुक से कोई भी ईमेल आती है किसी भी तरह की, वो वेरीफाई बैच की हो, किसी भी चीज की हो, तो भाई आपको देखना है वो मेल आपके पास कहां से आई है। ये देखिए यहां पर जो मेरे पास मेल आई है, ये देखिए इसका डोमेन देखिए, @gmail.com और meta verified
और स्पेलिंग भी भाई सही नहीं है, किसी ने वैसे फर्जी मेल बना रखी और भाई काम शुरू कर दिया लूटने का लोगों को। ये देखिए यहाँ पर, ठीक, ये इस मेल से आई है। जबकि इंस्टाग्राम अगर कोई भी मेल भेजता है तो भाई इंस्टाग्राम अपना डोमेन यूज करता है, instagram.com, ठीक। और ये देखिए, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि मेल जब आएगी इंस्टाग्राम से तो instagram.com उसका अपना डोमेन होता है, किसी ऐसे के चक्कर में मत आ जाना जैसे भाई मैं लूट गया, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ भाई, ये मेरी गलती है, ना समझिए, ये मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। और भाई देखो, नॉर्मल आदमी को इतनी सारी चीजें नहीं पता होती, मेरी जगह आप कोई भी हो पागल बन सकता है, ठीक है। तो भाई इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और भाई मैंने पूरी कोशिश की है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मेल भेजे, FIR की, साइबर क्राइम पोर्टल पर भी रिपोर्ट लगाई, हमारे नजदीकी जो साइबर क्राइम हेड ऑफिस है वहां पे गए रिपोर्ट लगाई, कुछ नहीं हुआ भाई। अपना तो सिस्टम भी इतना खराब है, जो ये इंस्टाग्राम का एक तो सपोर्ट सिस्टम इतना खराब है भाई, उसकी तो पूछो ही मत। उसको इतने सारे मेल कर लिए, 15-20 मेल कर लिए, डेली मेल करता हूं सुबह शाम, आज तक कुछ नहीं हुआ और ना कोई उनका रिप्लाई आ रहा है, ठीक। और भाई हमने थाने में भी अपने यहाँ पे रिपोर्ट लगाई है, उन्होंने भी भाई कुछ नहीं किया और उल्टा ये बोल रहे हैं कि भाई अब वापस नहीं आएगा और डिमोटिवेट कर देंगे तुम्हें। तो भाई कुछ नहीं होगा, इसलिए आप जिम्मेदार हो, आप ही अपने आप को बचा लो। मैं आपको बता रहा हूं किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। किसी के बहकावे मत आना, इस तरीके से मेल आती है तो भैया कुछ मत करना। अब भाई सेकंड मेरे पास एक अटैक हुआ, हैक मेरा फेसबुक अकाउंट, द लाइफाई स्टडी के नाम से भाई मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। देखिए, तो ये मेल वगैरह तो मैंने दिखा दी, अभी मैं आपको फेसबुक का दिखाता हूं। हाँ, तो देखिए भाई, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट और लिया है इसी अकाउंट का। तो ये तो हमारा जो ये वाला स्क्रीनशॉट है, ये तब का है जब हमारा अकाउंट हैक हो चुका था, उसके जस्ट बाद का। अब अगर उस अकाउंट को आप जाकर देखोगे, आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा क्योंकि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो ये देखिए अब वो अकाउंट हमारा कुछ इस तरीके से बदल चुका है। जो अभी मतलब जो अकाउंट हमारा हैक हुआ है वो इस तरीके से बन गया, उस आदमी ने अपनी सारी डिटेल चेंज कर दी, फॉलोवर घटते जा रहे हैं क्योंकि आप लोग लगातार अनफॉलो कर रहे हो इसको। ये भाई साहब इस पे मिठाई बेच रहे हैं, अब देखो भैया मेहनत हमारी और भैया कोई आके इस पे अपना जाए मिठाई बेचने लगा, लूट के ले गया भाई, ठीक है भाई। ये इस तरह का है जो अब दिखाई दे रहा है। अब भाई हमने अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया इसको फॉलो कर लो, ठीक, और उस वाले अकाउंट से हट जाओ भैया। और देखो TLS कंप्यूटर के नाम से मैंने सेम बनाया है, इसमें अंडरस्कोर का साइन लगाया है, TLS अंडरस्कोर कंप्यूटर, 11,000 फॉलोवर हो चुके हैं, ये नया अकाउंट है भाई हमारा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि भाई 2,00,000 फॉलोवर का अकाउंट हैक हो चुका है, नया अकाउंट ये है। तो जिसको जुड़ जाना है भाई, जो डेली कंप्यूटर की वीडियो देखना चाहते हैं जुड़ जाओ। अब देखो भाई जरा फेसबुक में क्या हुआ मेरे साथ, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। फेसबुक में ऐसा हुआ भाई, हमारे पास एक फेसबुक के अंदर से एक नोटिफिकेशन आया, ये देखिए फेसबुक का नोटिफिकेशन अंदर का, ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन फेसबुक के अंदर का। और ये देखिए भाई नोटिफिकेशन आया, योर कंटेंट डज नॉट फॉलो आवर कम्युनिटी, सी वाई शेयर्ड योर फोटो, ठीक। भाई मैं डर गया एकदम देखते ही, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, इन्होंने लिखा जब मैंने इस पर क्लिक किया भाई। अब देखो, अब मैंने जब बहुत सारी इंस्टाग्राम हैक होने के बाद बहुत सारी जानकारी ली, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो भैया उनमें बताया गया था सभी वीडियोस में कि भाई बाहर से अगर आपके पास कुछ आता है तो भाई उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो, लेकिन अगर इंस्टाग्राम के अंदर से ही फेसबुक के अंदर से ही आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप विश्वास कर सकते हो, वो ऑफिशियल है, ठीक है भाई। मेरे दिमाग में ही चल रही थी, मैंने सोचा भाई ये तो फेसबुक के अंदर से नोटिफिकेशन आया, तो भाई मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्लिक किया तो उसमें लिखा हुआ है अंदर, योर पेज इज ब्रेकिंग आवर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड योर पेज हैज बीन रेस्ट्रिक्ट, और ये देखिए भाई इस तरीके से लिखा था, और भैया कि 6 घंटे बाद आपका पेज डिलीट कर दिया जाएगा, 48 घंटे का समय है, ये वो इन्होंने लिख के दे दिया। अब भाई ये देखो पूरा पेज कॉपीराइट सी मेटा, ये पूरा यहाँ पे दे रखा था, हमारे पेज का पूरा वो दे रखा था इन्होंने, ठीक है, डीपी वगैरह। तो भाई हम डर गए कि भाई पेज डिलीट हो जाएगा, फेसबुक में कुछ हमारा हो गया, तो उन्होंने लिखा था रिव्यू करो भाई। तो भाई नॉर्मल सी बात है, सब आदमी रिव्यू करेंगे डर जाएंगे, मैंने इस पर क्लिक किया और भाई रिव्यू के लिए चले गए। अब जैसे ही भाई इस पर गए, वहां कुछ बेसिक सी डिटेल थी, कहा था कि गूगल क्रोम में अपनी फेसबुक को खोल के ये डिटेल शेयर करो और आप रिव्यू के लिए डाल सकते हो, मैंने वो डिटेल दे दी। उसके जस्ट बाद देखा भाई, वहां पर भी ये लिखा था 6 घंटे तक अपना जो है ऐसे गूगल क्रोम से लॉग आउट ना करें, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे पास मेल आया, जब ही जस्ट उसमें मेल आया कि भाई आप एडमिन के रूप में हटा दिए गए हो आपके पेज से, इस पे 11,000 फॉलोवर थे भाई, आप एडमिन के रूप से रिमूव कर दिए गए हो और आपका ईमेल फोन नंबर सब हटा दिया गया है। भाई मैं डर गया एकदम। अब जैसे ही मुझे पता था मेरे साथ तो हो चुका, मैंने तुरंत मेल पर क्लिक किया और पासवर्ड रिसेट कर दिया और भाई मैं अपने अकाउंट को वापस बचा लिया मैंने, फेसबुक अकाउंट को, नहीं तो भाई ये भी गया था। तो भाई ये मैं बता रहा हूं, कुछ विश्वास मत करो, आजकल इतने तगड़े फ्रॉड चल रहे हैं, देखो कोई भी पागल बन जाएगा। फिर मैं जब आके मैंने वापस जब मैंने अपने अकाउंट को बचा लिया,
तब भाई मैंने इसको देखा, मैंने कहा अब मैं इसको देखता हूं भाई ये क्या था भाई, चकमा इसने ऐसा दिया, देखो मैनिपुलेट करने का काम कैसा कर रहा है। आप सोचोगे कि भैया ये फेसबुक की ओर से आया है और फेसबुक ने नोटिफिकेशन भेजा, जबकि ऐसा नहीं था भाई। जब भाई मैंने इस पर क्लिक किया, ऐसे टैप किया, तो भाई ये एक अकाउंट था, फेक अकाउंट बनाया हुआ था और भाई इस नाम से था ये, ठीक है। अकाउंट देखो, अकाउंट भाई इस, ये जो है ना पूरा का पूरा ये इस नाम से अकाउंट ही इस नाम से बनाया है, ये अकाउंट का नाम है इसका, देखो ये पूरा का पूरा ये इस नेम से बनाया हुआ अकाउंट है और ये वाली इस पे डीपी लगी है। अब आदमी के पास तो यही जाएगा, तो आदमी घबरा जाएगा और उसने इसमें इस तरीके से पोस्ट करके हमारे पास ये डाल दिया। तो भाई कितना तेजी से जो है ये लोग दिमाग लगा रहे हैं और कितना लूटने का काम कर रहे हैं। तो भाई इससे बच के रहो, आपके पास अगर ऐसा कुछ आता है बिल्कुल भी किसी पर भरोसा मत करो, ऐसे क्लिक मत करना। अगर आपका आता है कि भाई आप टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अपना फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, तो भाई उसके स्टेटस को जाके चेक करो, पेज स्टेटस चेक करो, तब जाके आपको क्लियर हो, समझ गए भाई। तो देखो भाई इस तरह के जो है फ्रॉडगिरी से बच जाओ, वरना भाई जो मेरे साथ हुआ है आप भी भुगतोगे। और भाई बहुत दुख होता है जब अपनी पूरी की पूरा जो है मेहनत करी हुई पानी में मिल जाती है, एकदम पानी में चली जाती है सारी की सारी, ठीक भाई। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूं, अवेयर रहें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भाई सभी के पास ही जानकारी पहुंच जाए और अपना अकाउंट वो लोग बचा लें, ऐसी गलती ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, नमस्कार, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग अवेयर हो सकें।